Why do people buy gun? लोग गन क्यों खरीदते हैं? Hey guys, welcome to Airsoft Gun India new video. और आज हम लोग एयर गन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे रियल गन के बारे में कि इंडिया में लोग गन क्यों परचेस करते हैं. इंडिया में सबसे टफ आर्म रूल है, मतलब इंडिया में आप लाइसेंस अगर एक्वायर करने जाएं तो बहुत मुश्किल है, बट फिर भी लोग गन परचेस करते हैं. 2016 के डाटा के मुताबिक इंडिया में रफली 34 लाख आर्म्स लाइसेंस होल्डर हैं और 97 लाख लोगों के पास लाइसेंस्ड वेपन है. पहले एक लाइसेंस पे आप 3 वेपन्स रख सकते थे, बट गवर्नमेंट ने 2020 में आर्म्स रूल में थोड़ा चेंज किया और आप एक लाइसेंस पे सिर्फ 2 वेपन्स रख सकते हैं. इनफैक्ट गवर्नमेंट तो ट्राई कर रही थी एक लाइसेंस होल्डर के पास सिर्फ एक ही गन रहे. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट आर्म्स रूल को सख्त करते जा रही है, बट फिर भी लोग गन क्यों खरीदते हैं, आज इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा. तो फिर लोग इतने जद्दोजहद करके लाइसेंस क्यों लेते हैं और गन्स क्यों खरीदते हैं? तो पहला रीजन है, और ये बहुत कम लोग जो है सोचते इसके बारे में, वो है जॉब्स. आपने सिक्योरिटी गार्ड को देखा होगा, उनके हाथ में बंदूक होता है, वो उनको लाइसेंस के साथ उनके पास होता है और उनको उसके अलग से पैसे मिलते हैं. जो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है, अगर उनके पास अपना वेपन होता है तो उनको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है और उनको उनके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं. जब मैं लखनऊ में था और हम आर्म्स जो गार्ड्स की ट्रेनिंग के बारे में वीडियो बना रहे थे, तो मुझे मालूम पड़ा था कि अराउंड 4,000 रुपये एक्स्ट्रा उनको जो है इनकम हो जाती है अगर एक सिक्योरिटी गार्ड के पास लाइसेंस वेपन हो तो. दूसरा, सबसे ज्यादा जो लोग गन खरीदते हैं वो है स्पोर्ट्स पर्पस के लिए. आपने ओलंपिक्स में, आपने कॉमनवेल्थ में, आपने न्यूज में सुना होगा इंडिया का शूटिंग में ये मेडल आया है, इंडिया का शूटिंग में ये मेडल आया है. वो इसलिए होता है कि हमारे खिलाड़ी जो है वेपन्स फायर करते हैं शूटिंग कॉम्पिटिशन्स में, और जब कोई स्टार्ट करता है तो वो क्लब के राइफल्स को यूज करता है, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है 0.22, 0.25 ट्रैप शूटिंग, तो उन्हें अपने वेपन्स चाहिए होते हैं जिसके साथ वो प्रैक्टिस कर सके. जितना वेपन उनका खुद का होगा उतनी उनकी प्रैक्टिस बढ़ जाता है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इस रीज़न से उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है और उन्हें फायर आर्म्स इस्तेमाल करना होता है. और एक मेजर चंक जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिनके पास वेपन है, और इसी वजह से लोग फायर आर्म्स खरीदते हैं. एक मेन रीज़न है कि लोग फायर आर्म इसलिए खरीदते हैं कि जो लोग आर्मी में होते हैं या फिर पुलिस फोर्स में होते हैं, जिन्होंने अपने जॉब में या अपने करियर में वेपन्स का इस्तेमाल किया होता है, जब वो जॉब छोड़ देते हैं उनके पास वो वेपन नहीं होता है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो अपना लाइसेंस बनवा लें और वो फायर आर्म्स खरीद लें. क्योंकि जैसे कि एक ड्राइवर है जो कार चलाता है, वो कोशिश करता है कि बाद में कार खरीद ले, वैसे ही आपने देखा होगा बहुत से पुलिस वालों के पास, बहुत से आर्मी वालों के पास वेपन होता है, बिकॉज वो उनको अपनी जॉब की एक याद दिलाता है, इसलिए जो है वो फायर आर्म्स खरीदते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न जिसके वजह से कि लोग फायर आर्म्स खरीदते हैं या वेपन्स खरीदते हैं, वो है सिक्योरिटी. लोग अपनी देखभाल के लिए, आप लोग अपनी ज़मीन की देखभाल के लिए, लोग अपने खेतों की देखभाल के लिए, लोग अपने आप को इलीगल एलिमेंट्स या फिर जो लोग गुंडे होते हैं या असामाजिक तत्व होते हैं, उनसे अपनी फैमिली की, अपने घर की, अपने बंगलों की, अपनी गाड़ी की रखवाली के लिए वेपन्स खरीदते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन खरीदते हैं. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको हक देता है कि वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए बचाए, और इसलिए वो एक वेपन ऑप्ट करते हैं या वो एक गन परचेज करते हैं. वेपन के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने फिल्मों में देखा होगा जो जमींदार हैं उनके पास वेपन होता है, जो बहुत अमीर आदमी होता है उनके पास वेपन होता है. तो लोग एक प्रॉस्पैरिटी के लिए वेपन खरीदते हैं, दिखाने के लिए कि वो एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप 200 एकड़ जमीन जो है कंधे पे लेकर कहीं नहीं जा सकते या कमर में टांग के नहीं जा सकते, बट अगर आपके कमर में 18 लाख रुपए का बरेटा या 18 लाख रुपए का वॉल्थर लगा है, तो लोग आपको देखते ही पहचान जाते हैं कि यार ही इज़ फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, या फिर इसके अच्छे कनेक्शंस हैं, वो एक सबकॉन्शियस
जो है मैसेज देता है, और इसके कारण बहुत से आप अमीर लोगों को, बहुत से जो है रेपुटेड बिजनेसमैन को, बहुत से अच्छे बड़े बड़े लोगों को आपने फायर आर्म्स का देखा होगा और वो फायर आर्म्स खरीदते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों को मैंने देखा है, खास करके रूरल पंजाब में, कि वो लोगों को जज उसके वेपन की कीमत से या उसके वेपन की क्वालिटी से करते, क्योंकि जिनके पास बहुत महंगा वेपन है वो एक वेरी वेल टू डू फैमिली से होता है। और ये एक रीज़न है कि आपने पंजाबी गानों में बहुत सारा गन्स देखा होगा, क्योंकि लोग प्रोस्पैरिटी से, लोग इज्जत से, लोग अपना रिस्पेक्ट से वेपन को देखते हैं। और जो सबसे बड़ा रीज़न है, लोग वेपन इसलिए खरीदते हैं, दैट इज़ फॉर फन और प्लिंकिंग। तो बहुत, जैसे किसी को गाड़ियों का शौक होता है, कोई, कई लोग बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ रखते हैं, कई लोग स्काई जंपिंग करते हैं, कई लोग मिट्टी से खिलौने बनाते हैं, कई लोग पेंटिंग्स करते हैं, वैसे ही कई लोगों को वेपन का शौक होता है, उन्हें गन्स चलाना है। गन्स कुछ भी हार्मफुल नहीं है, इट्स जस्ट अ टूल, नॉट बैड, नॉट गुड, इट्स जस्ट एन टूल। यू नो, दिस इज जस्ट गन, नॉट गुड, नॉट इविल, जस्ट अ टूल। तो लोग जो है, कई लोगों को शौक होता है निशाना लगाने के लिए, एंड दैट इज व्हाई पीपल बाय गन। इनफैक्ट सबसे सेफेस्ट स्पोर्ट है। आप अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपका पैर टूट सकता है, आप अगर कबड्डी खेल रहे हैं आपको चोट आ सकता है, अगर आप क्रिकेट भी खेल रहे हो तो आपको बॉल लग सकता है, आपका मुंह टूट सकता है, हाथ टूट सकता है, बट गन बहुत ही सेफ स्पोर्ट है। जब आप किसी टारगेट पर निशाना लगाते हो, आपको खुद को गोली लगने के चांसेस ऑलमोस्ट नथिंग होता है। तो गन जो है एक बहुत ही सेफ स्पोर्ट्स है, इसलिए लोग जो है गन खरीदते हैं या गन का एक शौक रखते हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं कि लोग क्यों गन खरीदते हैं, प्रोस्पैरिटी के लिए, इज्जत दिखाने के लिए, थोड़ा शो ऑफ करने के लिए, जॉब के लिए, अपने आप, अपने फैमिली, अपने जमीन जायदाद उसको बचाने के लिए, असामाजिक तत्व से अपनी रखवाली करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, देश का नाम ऊंचा करने के लिए, नौकरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है लोग गन्स खरीदते हैं। और अगर आपको भी गन्स पसंद है, तो हमारे पास असली गन तो नहीं होते, हमारे पास लाइसेंस वेपन नहीं होते, तो प्लीज़ उसके बारे में मत पूछिएगा। अगर आपको एयर गन खरीदना है तो नीचे लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, हमारे वेबसाइट पर जाइए, हमारे वेबसाइट पर 0.177 के एयर गन मिलते हैं जिसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको सिर्फ आपका आईडी प्रूफ देना होगा। और आपको क्या लगता है कि लोग गन्स क्यों खरीदते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।